ये क्वेश्चन तो फिक्स है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देख सकते हो, दो धनात्मक पूर्णांकों दिया हुआ है, ए और बी दिया है, के लिए कौन सा जो फॉर्मूला है वो सही होगा। देखो फॉर्मूला आसाम आसाम एक होता है, ये फॉर्मूला डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ये फॉर्मूला रट लो। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, ये मल्टीपल चॉइस में पूछा ही जाता है। ये इसको मतलब ओएमआर शीट में आपको भरना होगा, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। एक नंबर आपको यहाँ से बन जाएंगे। फिर आगे देखो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। ये सभी बच्चे गलत करके आते हैं, आप भी कह रहे हो आप भी गलत करो। दोगे इसमें आप लगाओगे अपरिमेय संख्या होता है, बट आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अगर इसकी जगह देता गुणनफल, ठीक है, गुणनफल देता तो क्या होता, परिमेय अपरिमेय संख्या होता है। बट यहाँ भागफल पूछ रहा था, याद रख लेना परिमेय संख्या होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सही बच्चे इसमें गलत करके आते, एक नंबर बिल्कुल गंवाने वाले यहाँ से। और यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, एम का मान ये दिया हुआ है और एन का मान ये दिया हुआ है, एन एम प्लस सेवन, तो इससे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसको भाई आराम इजिली सॉल्व कर सकते हो, भाई इसमें कुछ नहीं सॉल्यूशन इसे करना होता है। यहाँ पर देखो इसमें आप मान रख दोगे इस तरीके से, यहाँ पर देखो एम का मान कितना दिया हुआ है, एम का मान पांच दिया, पांच का स्क्वायर कर लोगे 25 हो जाएगा, प्लस एन का मान कैसे होगा, एन का मान पहले एम का मान यहाँ रखोगे कितना होगा 5 और ये 7, 12 का स्क्वायर कर लोगे यहाँ पर, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर लिया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो यहाँ पर इजिली सॉल्व कर लोगे, अंडर रूट में 25 प्लस 144 अंडर रूट में आएगा 169, तो यहाँ से आ गया 13 का रूट करोगे तो 13 का आता है। तो यहाँ पर 13 ऑप्शन कहाँ पर, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ये है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको 27 फरवरी बिल्कुल अलर्ट के चले जाना है, इसको कम से कम ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, 3 से 4 आपको जरूर इसे एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन तो बिल्कुल यही से फंसने वाला है, सच में कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, वीडियो को छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, एक परिमेय संख्या के संख्या कितने मतलब इसके समान कितनी संख्या बन सकती है, ये पूछ रहा है, 1, 2, 3 कितनी हो सकती है। तो फिर हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या, मान लेते हैं 1/2 है, ठीक है ना, इसके समतुल्य हम एक गुणा कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं, कितना हो गया 1/4 हो गया। और हम ये इसी तरीके से तो मान सकते हो 1/2 मान 3 मान सकते हो, इसमें गुणा करो 1/2 से कितना आएगा 1/6 आएगा। इस तरीके से अनेक संख्या बना सकते हो, इसलिए यहाँ पर आएगा परिभाषित, अनेक संख्या बन सकती है परिमेय संख्या के समतुल्य, कितनी भी संख्या बना सकते हैं। तो यार डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ से 4 क्वेश्चन होंगे, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि a1x + b1y + c = 0 है, और यहाँ पर ये कह रहा है a2x + b2y + c = 0 है। अगर दो रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है और एक फॉर्मूला आपको ये दे दिया है, तो इसमें कौन सा आपका कंडीशन सही होगा। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा a1 / a2 b1 / b2 c1, अगर तीनों इक्वल है तो मैंने इसके अनेक हल हो सकते हैं। अगर अनेक हल के लिए कौन सी कंडीशन सही होती है, संपाती होती रेखा है, जो रेखाएं होती है आपस में एक दूसरे के ये तो समांतर हो गया, समांतर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर तुम ये तीनों बराबर है, समझ रहे, संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा, इसे बोलते हैं संपाती, तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत अच्छे लगाते हैं समांतर, समांतर देखते हैं यहाँ पर समांतर होगा तो, बट ये वाला ऑप्शन गलत होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से देखो 6ठा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, 21 के बराबर है, तो वह संख्या कौन हो सकती है, वह संख्या कौन है जो 21 के मतलब 21 एक जो तिहाई भाग है वो 21 है। तो इसका तुम देखो 43 का ना 63 का देखो, 63 का 1/3 भाग कितना होगा 21 होगा। तो इस तरीके से देख सकते हो 63 का 1/3 भाग काटोगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ से 21 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, द्विघात समीकरण ये दिया है और कह रहा है कि इसका जो मूल दिया है -2 है, तो पी का मान ज्ञात करना है। पी का मान बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हो आप, यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक्स का मान रख देते हो, एक्स का मान -2 है ना, यहाँ रख दो, तो -2 यहाँ रखोगे, -2 का स्क्वायर प्लस में 2 यहाँ पर रखो -2 - p = 0, यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ से आएगा -4 - 0, तो यहाँ से आ गया 0 = p, तो कितना मान आ गया p का 0 आएगा। बिल्कुल सॉल्व करना था मतलब मूल रख के यहाँ पर x की जाएगा, तो यहाँ 0 a वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऐसे 7 क्वेश्चन होगा, 8वां क्वेश्चन देख लिए। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज कौन सी हो सकती है। यहाँ पर दिया है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु या फिर समरूप, कौन सी हो सकती है, तो ये होगा समरूप होगा, आपका चैप्टर से ही दिया गया त्रिभुज चैप्टर से समरूप होगा त्रिभुज, ठीक है ना, ये तो परिमेय है, ऐसी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर एक और नवा क्वेश्चन इस तरीके से, अगर एक्स अक्ष पर स्थित ये बिंदु दिया हुआ है, एक्स अक्ष मान जिस होता है ना
यहाँ पर एक्स एक्स पे कोई यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है एक बिंदु ये और एक बिंदु ये से सम दूरस्थ है। मान लो एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं और एक बिंदु कुछ यहाँ मान लेते हैं और एक बिंदु एक्स कॉमा जीरो मतलब कि एक्स कॉमा जीरो ठीक है ना, वाई यहाँ पर जीरो रहेगा यहाँ पर, तो इसमें एक यहाँ मान दिया एक यहाँ मान दिया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ समदूरस्थ मतलब एक दूसरे दूरी जो है बिल्कुल समान है, इसको फॉर्मूला इसके मतलब फॉर्मूला सॉल्व करोगे बराबर करके तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा। करने में हमको टाइम लगे, करके देख लिए कि नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन यहाँ एक और है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है तो, और कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सही होती है। देखो समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, दो भुजाएं बराबर ये बराबर है, अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण बराबर होगा, ये भुजा बराबर तो ये कोण बराबर होगा ठीक है। ए बी सी था तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, तो कौन सा होगा ये एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक सेम ऐसी 11वां क्वेश्चन यहाँ पर है, त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बी इतना दिया, मान ले त्रिभुज मान लेते हम ए बी सी को ये ठीक है, ए बी सी मतलब ए बी इतना यहाँ पर दिया 6√12 और यहाँ पर ए सी दिया हुआ, यहाँ पर बी सी दिया है। अब देखो ए बी सी, ए सी जो सबसे बड़ी भुजा वहां पे ये 12 है और ये 6 कितना है यहाँ पर आधार 6 हो गया और लंब कितना हो गया यहाँ पर 6√3 हो गया। इसको पैथागोरस से सॉल्व करोगे यहाँ आधार और ये लंब वाला, तो यहाँ से 12 आ जाएगा आपका, तो ये किसमें होता है पैथागोरस लगाते हो तो किसमें होता है ये समकोण त्रिभुज में होता है, कोण कितने का बनता है 90 का, तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया ठीक है। ऐसे 11 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन देख लिए। और फिर 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर देखो कितना आसान, ये भी क्वेश्चन आसान है, बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पूरे आपको 20 में से 20 क्वेश्चन करके जाने वाले हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 20 से 20 एमसीक्यू बिल्कुल फोड़ किया होगा अपने पेपर में 27 तारीख को। और यहाँ पे कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है ठीक, एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी भुजाएं पूरी बराबर होती है, वो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज ये है ठीक, जिसकी चार मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, और कह रहे हैं एक भुजा कितनी है 2 2a है, कोई सब भुजा कितनी है 2a की, प्रत्येक शीर्ष की लंब कितने होगी, इसके लंब लंब शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें, ये लंबाई ज्ञात करनी है आपको, इस लंबाई को कैसे ज्ञात करोगे, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है एक पैथागोरस लगा हुआ फॉर्मूला वाला है, तो यहाँ से देखो लंब आपको ज्ञात करना है, आधार भी आपको दिया हुआ है पूरा 2a दिया है, तो आधा कितना हो गया a हो गया, आधा ये होगी आपको ये पैथागोरस लगाओगे ठीक है ना, पैथागोरस लगाओगे तो क्या पैथागोरस ये लगाना है एल एल निकालना है, तो लंब का स्क्वायर निकालना है, कर्ण का स्क्वायर निकालो 2a² - a² अंडर रूट में आ गया, यहाँ से सॉल्व करो कितना आएगा, थोड़ा गड़बड़ होगा आपको जल्दी मैं बता रहा हूँ ठीक है ना, कुछ भी आपको घबराना नहीं, यहाँ पर 4a² होगा, यहाँ पर a² होगा, यहाँ पर 3a² होगा और रूट से बाहर a निकल जाएगा a√3, ये और ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक साइड निकालनी है, लंब निकालना था पैथागोरस लगा कि यहाँ पर ये इजिली सॉल्व निकल गया ठीक है, इस तरीके निकालना बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये कह रहा है 13वां वाला देखो, कह रहा है साइन ए बराबर कॉस ए है तो ए का मान क्या होगा, ए का मान पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा होगा जहाँ पर ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब तुम देखोगे ना 45 का डिग्री जो कोण होता है ना वो दोनों बराबर होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2 ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, 45 का मान बिल्कुल करेक्ट हो गया सी वाला। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है ए का मान 30 मतलब कोण तुमको 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया मतलब 1+tan² a अपॉन में 1+cot² a का मान क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दिखा है 1+tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 ठीक, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 1 और √30 वो cot 30 का मान कितना होता है √3 होती है ओनली, स्क्वायर स्क्वायर कर देना है, फिर इसके बाद 1+² मतलब स्क्वायर रूट तोड़ो क्या होगा 1/3 अपॉन में 1+3 इसका स्क्वायर खोलना है, तो फिर इसके बाद आगे हो गया 1 3+1 अपॉन में 3 अपॉन में पूरे में 4 आ गया और यहाँ से ये कितना आ गया 4 ये ऊपर 4 आ गया और 3 बटे में 4 से काटेंगे तो आएगा 1/3 यहाँ पर आ गया ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे मान रखे यहाँ पे सॉल्व करना था लीजिए, यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। और यहाँ पर इसे आगे 4था क्वेश्चन देख लीजिए, वही है इंग्लिश में पूछा गया। अब 15 क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, अब 15th वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, एक गोला है उसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बतानी है। एक मान सकते हैं जैसे मान ली कोई एक गोला है, गोले का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, 4πr² ठीक है, इस तरीके करना है ठीक है। और कह रहा है कि तुम क्या कह रहे हैं एक गोले की
उसके मतलब दुगना कर दिया जाए। जैसे मान लेते हैं, मान ले पहले होता आर था, अब बाद में हो गया टू आर हो गया, इसमें आर रखा जाएगा, इसमें टू आर रख दो, फोर पाई फोर पे कट गई, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर फोर आर स्क्वायर, मतलब टू कर दिया, मतलब दुगना कर रहे हैं तो टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, दो का स्क्वायर कितना हो गया चार हो गया। यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है तो चार को इसमें मतलब सौ का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 400 आ गया, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपको घबराना नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कुछ भी आप कंफ्यूजन नहीं होना है, इस तरीके से एमसीक्यू जल्दी जल्दी किया जाता है। आपको 20 क्वेश्चन करना है और यहाँ पे 16 क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्रतों का व्यासों का अनुपात ये दिया है। व्यासों मतलब एक त्रिभुज मतलब व्रत है, इसका व्यासों का अनुपात ये दिया हुआ है। अगर परिधियों का अनुपात क्या होगा, परिधियों का जिसका मतलब आधा कर दो, आधा नहीं मतलब इसका देखो क्या कर दो, इसका परिधियों का अनुपात निकालने के लिए आपका करना है इसका आधा कर देना, बहुत ही सिंपल होता है। अगर दो का स्क्वायर कितना होता है चार होता है, तीन का स्क्वायर नौ होता ना, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप इसको करके देख सकते हो, टू पाई आर होता है, टू पाई आर करके देख लेना, ये टू पाई कट गया, आंसर आ जाएगा दो, वो अनुपात तीन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। इस माध्य इसको माध्य निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, इसको करने में टाइम लगेगा, आप करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके दो में दो नंबर ही पूछा था और चार नंबर ही आए क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से तैयार करना है। माध्य माध्यिका और बहुलक वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन हो गया, आप 18 क्वेश्चन देख ली कौन सा। और फिर यहाँ पर है 18वां क्वेश्चन, कह रहा है किसी बारंबारता बंटल का माध्य ये दिया हुआ है, अब बहुलक ये दिया हुआ है और इसकी माध्य क्या ज्ञात करनी है। देखो इसको किस तरीके निकाला था, बहुत ही सिंपल तरीका, आपको इसमें फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है तीन माध्यक, एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर तीन माध्यक माइनस दो माध्य, ये फॉर्मूला होता है। जो जो दिया हुआ बिल्कुल सिंपल यहाँ रख दिए, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बहुलक कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ है बराबर तीन, माध्य कितना है, माध्य तुम्हें निकालना है, माध्य को हम एम मान लेते हैं, माइनस माध्य कितना दिया 24/1, इसको क्या करना है आपको, इसको जो है इधर प्लस में आ जाएगा 28 + 24.1 तीन एम, ठीक है। ये जो तीन जो इधर दिया हुआ ना, तीनों क्या कर लो तुम इधर बट्टे में ले आओ, ये बट्टे में आ गया, एम का मान निकालो इजिली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 25.4 आएगा, करके देख लीजिए यहाँ पर। तो फिर इसको इस तरह को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ये वाला फिर ये वाला आपको करके देख लेना, ठीक है ना। और इसके बाद देखो 19वां क्वेश्चन, यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं हो, यहाँ पर आपको इसमें क्या कहना, बहुलक बताना है, बहुत ही आसान होता है, जो बहुत बार होता है वही होता है बहुलक। अब यहाँ देखिए 11 यहाँ पर 21 बार है, यहाँ पर 23 बार है, सबसे ज्यादा ये है ना 23 वाला, तो इसका जो वो जो सर्व अंतर है वर्ग अंतराल, तो 20 मतलब 20 से लेकर 30 तक है, तो 20 से लेकर 30 तक बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। 19 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, और जस्ट यहाँ पर 20वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है माध्य माध्यिका और बहुलक वाला, इसे हमने कहा नहीं था, देखो ये फॉर्मूला ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला सही होगा, हमने यहाँ पर देखो बताया भी था, यहाँ पर बहुलक बराबर तीन माध्य माइनस दो माध्य था, इसलिए यहाँ थोड़ा गलत आया था, यहाँ पर माइनस दो माध्य आ गया, ठीक है ना। ये बहुलक बराबर तीन माध्यक माइनस दो माध्य, तो यहाँ पर ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो फिर यहाँ पर तुम्हारे 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन अगर कर लेते हो ना अपने बोर्ड एग्जाम में, तो 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर 20 नंबर कर लेते ना, 50 नंबर देखो किस तरीके से करना है आपको, किस तरीके 50 नंबर लेके आना है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से। तो फिर 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड बा से स्टार्ट होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ ही पूछे जाते हैं, यहाँ पूछ रहे खंड आ में, ये सब दो दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पर ये आपको ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन, ये आपको क्या थीटा का मान पूछ रहा है, पहले आपको यहाँ कॉस 45 का मान रखो, स्क्वायर कर देना, फिर इसको इधर ले जाएगा, फिर थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री, मान थीटा का मान सीधे सीधे 90 आ जाएगा, इसको निकाल देखिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही, तो हम सीधे निकाल सकते हैं, बहुत इजीली ये निकल सकता है। यहाँ बी वाला एक और क्वेश्चन यहाँ पर, दो क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक, इसको मान लिया, पहले एक्स मान लिया, फिर दूसरा एक्स प्लस वन मान लिया, फिर इसका योगफल कितना है 365 है, इस तरीके निकाल लेना है। फिर इसके बाद देखो समदूरस्थ है, मतलब एक्स वाई का मान निकालना है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक लंबवती शंकु की त्रिज्या इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई इतनी कैसे निकलेगी, तो ये पाइथागोरस लगा दो, बिल्कुल इजली दो नंबर सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना, दूरी वाला फॉर्मूला लगाएगा, ये भी निकल जाएगा, और इसका माध्य निकालना, हमने निकाला था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में एफ आई, इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे बिल्कुल इजली ये भी सॉल्व हो जाएगा, दो दो नंबर बिल्कुल आप इजी सॉल्व कर ही लोगे, तो बताने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, ये दो नंबर कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान आता है दो दो नंबर को।
क्वेश्चन में। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे। अब आता है चार नंबर क्वेश्चन वाला। चार नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इसके बाद जो आता है ना वो चार चार नंबर क्वेश्चन होते हैं। देखो पांच क्वेश्चन आपको करने होंगे, टोटली छह क्वेश्चन होगा। एक आपको इसमें एक चांस मिलता है, कोई छह दिया होगा आपको, चार का कोई पांच करना होता है। पांच आपको करना होता है, छह इसमें देखो दिया हुआ है, एफ तक दिया है, छह दिया है। यहाँ पांच करना बहुत ही इजिली, आपको एक छोड़ देना है, पांच बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर देखो सीधे सीधे यहाँ पर ए दिया, एक्स वाई का मान निकालना, यहाँ इस फॉर्मूला रख दो, एम का मान यहाँ निकालना सिंपली। यहाँ अनुपात अनुपात वाला फॉर्मूला दिया है, ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। रेखाखंड दिया हो, इसका मतलब अनुपात डिवाइड है, इसका फॉर्मूला लगा के बिल्कुल इजी सॉल्व हो सकता है। बट आपको कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाते, प्रूफ करना आसान होता है। अच्छा जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, आपको बीच में नहीं आ रहा हो तो गड़बड़ करना, बीच में लाके सिद्ध कर देना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का इजिली सॉल्व कर सकते हो। पहले आप दो त्रिभुज को क्या करना है, आपको समरूप करना है, फिर इसके बाद ये प्रूफ कर देना लास्ट में लाके। और यहाँ पे क्या देखो, पहली संख्या मानोगे एक्स प्लस वाई, इसमें देखो क्या भिन्न मानना है, एक्स बटे वाई भिन्न मान के यहाँ पे इजिली सॉल्व हो सकता है। और यहाँ पे द्विघात समीकरण क्वेश्चन, यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल मतलब मूल निकालना है इसका, ठीक है ना। इसको निकाल सकते हो, बहुत इजिली हो। और यहाँ देखो माध्यिका पूछ लिया एक्स वाई का मान निकालना, यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालना। इसमें देखो पांच नंबर क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा आपका, माध्य निकालने वाले फिर बहुला की या फिर माध्यिका, इस तरीके से पांच नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा। आप यहाँ पर जो पांच चार नंबर क्वेश्चन कर लोगे ना, यहाँ पर टोटली पांच क्वेश्चन करने हो, पांच क्वेश्चन कर लोगे तो आता देखो छह नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको कर ले, तीन क्वेश्चन आए, देखो छह नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर छह नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर छह नंबर क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे अथवा अथवा क्वेश्चन आते, यहाँ पर दो घनों को मिलाने बनता है। यहाँ पर ये कह रहा है, ये आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से एक क्वेश्चन पूछने के बाद एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें से पूछता जाता है, जो कि यहाँ पर ये ऊंचाई और दूरी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है ऊंचाई और दूरी वाला, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस होता है, मतलब इसमें निकाल इतनी डिग्री कोड दिया था, इंडियन कोड अनोन कोड दिया होता है, इसके बीच की दूरी या फिर टावर की दूरी पूछता है। इसमें दो क्वेश्चन आए थे, दो में से एक करना होगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए जरूरी। इसमें एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, 100% इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यों, इसमें देखो बहुत ही कुछ नहीं होता, टेन थीटा का मान रखना होता है, इसमें ऊंचाई और दूरी का मान निकालना होता है, बस इस तरीके का होता है। इसमें देखो दो दिया हुआ, इसे एक यहाँ पर दिया, नौ जो कि ऊपर से पता आ रही है, इस तरीके से एक क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाएगा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। अब पांचवा क्वेश्चन लॉन्ग का यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर छह नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ये रैखिक समीकरण क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से पूछा है, दो समीकरण बना के पूछा जाता है, एक अब यहाँ समीकरण इस तरह दे देगा, इसको सॉल्व करना बिल्कुल इजी होता है। और यहाँ पर एक समीकरण जो मान के क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पांच नंबर भी चार नंबर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन देखो चार नंबर पूछा जाता है और छह नंबर ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की सात गुनी है, ठीक, और दो वर्ष पहले पिता की उम्र जो थी पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। इस तरीके से दो तीन क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से पूरे होगा 70 नंबर पेपर हो, ठीक है ना। ये सब को